जय श्री राम दोस्तों। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं 3:28 नहीं दिख रहा, रुक जाओ। ये देखिए आप 3:28 और मैं अमरूद खा रहा था। तो आज व्लॉग इतना लेट स्टार्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो मैं कहीं जा नहीं सका और व्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाया था दोस्तों। तो आज का मौसम बहुत ख़राब है दोस्तों, कल शाम से ही आंधी तूफान बारिश हो रही है और हमारे गेहूं की फसल सारी मतलब लेट गई हैं, गिर गई हैं, तो हमारी फसलों का नुकसान हो गया है गेहूं के दोस्तों। चलो आपको दिखाता हूं मैं, और आप देख सकते हैं खूब बादल छाए हुए हैं और फिर से बारिश होने की संभावना हमें लग रही है। आप देख सकते हैं बादलों की छाया से धूप नहीं हुई आज दोस्तों दिन भर, और हमारी गाय ये रही, भैंस वो रही। तो दोस्तों हमें मार्केट जाना था कुछ काम से, हमने गेट बनने के दिया था तो वो बन भी चुका है, और बन चुका था हमें लाने जाना था मार्केट लेकिन हम जा नहीं सके दोस्तों। दोस्तों ये जो खाली जगह आपको दिख रही है यहीं पे हमें गेट लगवाना था, आप देख सकते हैं बाउंड्री गेट था इसमें, बाउंड्री गेट तो यहीं लगवाना था हमको जो कि अभी लग नहीं सकता दोस्तों। दोस्तों गिट्टी तो आ गई है हमारे घर में लेकिन अभी मोरंग और सरिया बाकी है आना, और सीमेंट भी आ गई है, तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं। तो चले दोस्तों गिट्टी तो आ चुकी है, आपको दिखाता हूँ, पहले आ जाओ आपको सीमेंट दिखाते हैं हम जो कि हमने कमरे में रखा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है तो भीगने का गीला होने का डर था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 10 बोरी सीमेंट है, और आपको चले गिट्टी दिखाते हैं हम। वो देखिए दोस्तों ये गिट्टी गिर गई है, आप देख सकते हैं छोटी सी गिट्टी है। तो दोस्तों चले आपको हम दिखाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, अपनी फसलें जो कि गिर गई हैं। तो चले आपको दिखाते हैं हम कैसे गिरी हुई हैं। तो हम नीचे नहीं जाएंगे दोस्तों, पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं पानी हुआ हुआ है हमारे खेत में, और आप देख सकते हैं हमारी फसलें गिर चुकी है एकदम, और काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारे गेहूं का दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारी फसलें हैं जो कि गिर गई हैं, तो हमारे मतलब गेहूं की नुकसान हो चुका है दोस्तों। तो चलते हैं हम और कहीं दोस्तों, तो आज टहलने भी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ते में पानी भरा हुआ है। तो आज आपको हम अपने घर का ही व्लॉग दिखाएंगे दोस्तों, मस्त ऐसे हम टहलते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं और टहलते रहते हैं दोस्तों। तो अभी हमारी चाय आएगी और मस्त हम लोग चाय पियेंगे दोस्तों। तो मौसम बहुत बेकार बन चुका है दोस्तों, खूब बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं बादलों की घंघाहट से काफ़ी बारिश हो सकती है। ये देखिए पानी भरा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं बादल ही बादल हुए हैं आसमानों में दोस्तों। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारी ये जो बल्ब आप देख सकते हैं ये बल्ब जल नहीं रही है, तो हमने ये देखिए ये तार गिराया हुआ है यहाँ से लेके दोस्तों घर तक गिराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ फॉल्ट आया हुआ है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, बारिश होने से पहले हमें ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम इस लग्गी की मदद से तार गिरा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे और मस्त। तो दोस्तों हमने देखते ही देखते एक अमरूद भी तोड़ लिया इस पेड़ से, तो चल रहे हैं इसे धोने के लिए हम पहले। दोस्तों ये रहा अमरूद, और इसे हम डाल देंगे पानी में और इसे भून लेंगे ऐसे 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 ऐसे, और दोस्तों ये खाने के लिए तैयार है, हमसे हम खाएंगे। बड़ा मस्त है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने तार गिरा लिया है इस पेड़ पर चढ़ के, ये देखिए दोस्तों तार हमने पूरा तरीके से गिरा लिया है, ये देखिए आप, और ये कट करा हुआ है हमने टेस्ट करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पेड़ पे चढ़ना पड़ रहा है, तो हमारे चाचा इस पेड़ पे चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चढ़ना पड़ता है तार गिराने के लिए, और ये तार इस लकड़ी में नीम के पेड़ में फंसा हुआ है तो इसे निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों। तो दोस्तों हमने तार तो बना दिया है, और अब हम एक वुडन को कलर कर रहे हैं वुड को, आइए आपको दिखाते हैं हम। पहले नीम की लकड़ी है छोटी छोटी, एक 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 फुट की होगी, इसे हम तो इसे पहले हम ब्लेड की सहायता से ऐसे काट लेंगे, एक बचा है इसे भी काट लेंगे दोस्तों, उसके बाद उस पर कलर करेंगे, तो आपसे कलर करके मिलते हैं हम। तो दोस्तों हमने वुड कलर कर लिया है, और अब हम ये देखिए कॉटन जिसे रुई कहते हैं इससे उसको साफ करेंगे दोस्तों। तो चल रहे हैं आपको दिखाते हैं हम।
ये देखिए दोस्तों हमने कलर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम रुई की मदद से साफ करेंगे और इसे मस्त कर देंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आपसे साफ करके मिलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने मस्त साफ कर दिया है और कलरिंग कितनी मस्त हुई है इस वुडन की। अब ये अभी गीली है तो सूख जाएगी कुछ देर में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और ठंड पड़ने लगी थी तो मैंने टोपी और स्वेटर पहन लिया है और लाइट आ गई अभी अभी। तो मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कल इंग्लिश का पेपर है। आप देख सकते हैं अंग्रेजी कक्षा 10 अवतार विद्या ये और क्वेश्चन बैंक जिसे कहते हैं, तो हम इसे पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे सब्सक्राइब करें, जान रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।